हेलो दोस्तों, मैं हूं हशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेशन चैनल। आज आपको बताएंगे हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 10th क्लास का रिजल्ट पब्लिश होना था उसी के बारे में। और 10th क्लास का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, तो बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार थे और लगभग हम लोग 15 तारीख से रिजल्ट पब्लिश होने वाले थे। 15 तारीख को हम लोग एकदम सब कोई इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज दिया गया 16 तारीख। ठीक है, तो चलिए आपको हम दिखाएंगे कि रिजल्ट आपको कैसे सबसे बेहतर तरीका से रिजल्ट जांच करना है। और हम जो 10th क्लास के ट्यूशन पढ़ाते हैं और जो लोग मेरे चैनल में बने थे, उन लोग से हम उम्मीद रखेंगे कि आपका कितना परसेंटेज आया, ज़रूर आप कमेंट करके लिखिए। आप कॉन्ट्रीब्यूशन किए वो ज़रूर कमेंट करके लिखिए। और मेरा यहाँ का जो रिज़ल्ट हुआ है वो 400 से प्लस है, 400 लगभग 3-4 स्टूडेंट का आया है, तो वही आप लोग को कुछ दिखाएंगे, कुछ स्टूडेंट का, 1-2 स्टूडेंट का, और कैसे आपको जांच करना है वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले गूगल नहीं खोल के यूट्यूब खोलिए। ठीक है, आज दूसरे विधि से आपको बताएंगे और सबसे बेहतर तरीका से आपको वेबसाइट के लिए कोई परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब में यहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं मेरा चैनल का नाम डिजिटल। ठीक है, डिजिटल हो गया, डिजिटल ए टू जेड चैनल, ये लिख के आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप सर्च बटन में क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो देख सकते हैं आप। मेरे पास थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, नेट का स्लो होने के कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं कैसे आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, देख लीजिए, ये है आपका डिजिटल ए टू जेड चैनल। यहाँ पर एक लोगो आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इंटरनेट का स्पीड होगा तो लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, बेहतर होगा कि कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तब तक पहुँच जाएगा। यहाँ में जो पहले वाला वीडियो में देखिएगा, लिखा गया है जैकबोर्ड क्लास आपका 15 में देने वाले थे 1 बजे से 4 बजे तक, तो इसी वीडियो में आप जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको 2 जगह से मिल जाएगा, अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा एक वीडियो आपके पास ओपन होके आ जाएगा। देखिए, इस तरह का वीडियो आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे वीडियो मेरे पास खुल गया है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट जांच करना है, इस वीडियो में भी बढ़िया से बताया गया है। यदि आपको उसमें भी नहीं जाना है तो आप यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक है, दिखा देता आपको कहाँ क्लिक करना है। आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दूसरे चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आपके पास लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है वॉल क्लास, यहाँ से भी आप जा कर आप देख सकते हैं 10th क्लास का। और या तो नहीं तो आप स्क्रॉल करते करते नीचे चले जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 10th क्लास रिजल्ट लिंक। ठीक है, तो इस पर आप सिर्फ क्लिक करना है बस, आपको और कुछ नहीं। जैसे ही इसमें आप क्लिक कीजिएगा दूसरा एक इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए किस तरह का इंटरफेस खुल के आता है मेरे सामने। देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे जाकर आप अपना रोल नंबर और रोल कोड दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ का रोल कोड जो है आपका 44057 है आपका। ठीक है, और यहाँ पे हम रोल नंबर डालते हैं, एक रोल नंबर 200 आपका 23023। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट होना चाहिए। यदि किसी का रोल नंबर 1 है तो यहाँ 3 डिजिट दीजिएगा, उसके बाद ये कीजिएगा। तो गो में हम क्लिक करते हैं। जैसे हम गो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप सबमिट बटन पे जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए रिजल्ट खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की का नाम है मुशफिका। ठीक है, इसका मुशफिका नाम है, पिताजी का नाम है मुस्तफिजु। ठीक है, मम्मी का नाम भी है, सब कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इसका हम जो नोट्स में दे रहे थे तो इसका भी कुछ आपको कॉपी मिला था, जैसे आपका इंग्लिश का कुछ दिए थे तो उसमें इंग्लिश में इसका इस स्टूडेंट का कॉपी दिया था कि अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इसका आया है आपका 400। ठीक है, 403 नंबर आया है, 5 डिवीजन में है। और देखिए यहाँ पे आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग दिख रहा है। यदि अलग नहीं भी दिखता तो आपको दूसरे एक हम साइट से बताते हैं जहाँ से आप आराम से देख पाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम बोले थे तो शायद कुछ वीडियो में, तो उसमें बहुत कुछ ऐसे लोग थे जो गलत कमेंट किए। देखिए, सोशल साइंस को यहाँ एडिशनल रखा गया, लेकिन सोशल साइंस एडिशनल नहीं होता है। देखा गया, ये 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 5 5 हो गया, लेकिन 6 नंबर में आपको सोशल साइंस को यहाँ पर एडिशनल दिखाया गया। इसका मतलब क्या, हम आपको पहले बताया था कि टॉप 5 में आपके पास टॉप 5 जो होगा उसमें आपको एडिशनल टॉप 5 को नंबर को लिया जाएगा, उसके बाद वाला नंबर को आपको एडिशनल दिखाया जाएगा। तो इसी चीज़ को हम बता रहे थे कि टॉप 5 सब्जेक्ट को लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सोशल साइंस में यहाँ कम नंबर है, 68 नंबर है, इससे ऊपर नंबर है, इसलिए उन सबको लिया गया है। और इसके लिए दूसरा फिर एक एडमिट आएगा जब आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग समझ में आ गया बहुत हद तक। और फिर हम और एक स्टूडेंट को आपको दिखा देते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट था। चलिए देखिए, यहाँ पे हम एक रोल कार्ड डालते हैं 44057। ठीक है, उसके नीचे रोल नंबर जो है हम दे देते हैं 0040। ठीक है,
04040। अब हम जाकर सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट खुल कर जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया रूपाली मंडल, विकास मंडल, इसका भी रिजल्ट अच्छा ही है, 397 रिजल्ट परसेंट है ना, टोटल 397 है इसका। देखिए इंग्लिश को एडिशनल रखा गया, सही में इसका इंग्लिश एडिशनल ही था, तो इसमें इंग्लिश में ये बैक कर गया तो कोई बात नहीं। तो आपका जो एडिशनल है उसमें अगर बैक कीजिएगा या कोई एक सब्जेक्ट में बैक कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका पास रहेगा तो उसमें आपको लिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपका दो सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है तो यदि 33 आपको नीचे आते हैं तो आपको नहीं उसमें पास किया जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया कि कैसे ये है। और इस तरह का अगर आप भी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रहिए, आपको बहुत अच्छा इसमें हेल्प मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, कैसे आपको पढ़ाई करना है, किस तरह से पढ़ना है, टोटल सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।